जेजेपी का सफाया हो चुका है, जिन से जेजेपी की शुरुआत हुई थी और मेरे ख्याल से यहीं से पतन की भी शुरुआत हो चुकी है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को आड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जीन जाट धर्मशाला में, और जहां पर जुलाना हलके से जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने जेजेपी पार्टी को छोड़ दिया है। तो पार्टी छोड़ने का क्या कारण है? तो सारे जेजेपी के यहां पर कार्यकर्ता है जो जुलाना हलके से सारे इकट्ठे हैं, तो इनसे पूछेंगे कारण क्या है। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम सर? वेद बलवनवाला, हल्का प्रधान जुलाना। जुलाना, तो सर आज सारे कार्यकर्ता ने जुलाना हलके से पार्टी को छोड़ दिया, कारण क्या है? कारण विधायक की अनदेखी, काम नहीं होना, वर्कर ने इतनी मेहनत और लगन से विधायक बनाया था तो सिस्टम सारा खराब कर दिया। संगठन की नॉलेज नहीं किसी प्रकार की, नए पुराने का जानकारी नहीं। जिस आदमी ने मेहनत करके इतने लगन से बनाया, आज ये हालात हो गए कि वो जो नज़दीक थे वो तो दूर हो गए और जो दूर थे वो नज़दीक लग रहे। तो आप पार्टी से नाराज हो या कार्य उससे एमएलए से? पार्टी तो नाराजगी एमएलए पार्टी में तो है नहीं सर, एक तो पूरी पार्टी से हो, दुष्यंत चौटाला से भी नाराज हो या फिर मतलब विधायक से नाराज? ऐसा है, दुष्यंत चौटाला भी इस चीज के जुम्मेवार हैं, क्योंकि हमने दुष्यंत चौटाला को भी कई बार अवगत कराया, भाई साहब काम नहीं हो रहे, तो उसमें सब यही आया भाई विधायक से मिल लो, विधायक से मिल लो। तो विधायक ने काम नहीं करने लोगों के, तो फिर मारे तो लत्ते पाटेंगे। हमने तो इसका अच्छा हाथ जोड़ लिया भाई, हम काम ही नहीं करते, अपना पार्टियाँ छोड़ी। राम राम सर। राम राम। क्या नाम सर? मेरा आनंद लाठरा जी, प्रेस प्रवक्ता हूँ मैं हल्का जुलाना। तो सर 2024 से एक साल पहले, मतलब आपने जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, उससे पहले ही क्यों पार्टी को छोड़ा? चार साल से क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो हमारे विधायक हैं ना, वो इतने घमंड में हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं के फोन भी नहीं उठाते। जो कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे कुछ काम होते हैं, गांव के सामूहिक काम होते हैं, उनके लिए वो फ़ोन करते हैं तो उसके लिए भी फ़ोन नहीं उठाते। फिर कार्यकर्ताओं की बेइज्जती होती है गांव के बीच में, इसलिए हम सभी साथी ये सोचते हैं कि भाई आज तो सरकार है, उनके पास पूरे साधन संपन्न है, वो उनको सारे सुख सरकार के छोड़ के हम सारे साथी दोबारा फिर हम अपने घर पे बैठते हैं। भाई हम जो विपक्ष में लगा लो चाहे, हम अपने घर पे बैठ के हम सामाजिक कार्य करेंगे जी। तो ये विरोध अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं? ये विरोध तो जी जैसे एक समय होता है हर एक चीज़ का जी, कोई भी चीज़ होती है एक एक करके जब सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं तो आज समय आया है, तो हर चीज़ समय पे होती है, आज इसका निश्चित समय था। तो सर सभी कार्यकर्ताओं की बात करें तो क्या किसी दूसरी पार्टी से ऑफर मिला है? अभी फिलहाल तो किसी का ना तो किसी पार्टी का ऑफर है, ना किसी का कोई मन है, सभी कार्यकर्ता अपना जुलाना हल्के के अंदर एक सामूहिक रूप से सामाजिक कार्य करने के मूड में है। राम राम सर। राम राम। क्या नाम? शमशेर सिंह डांडा जी। तो सर मतलब कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं इसलिए छोड़ा है या फिर? हमारा कार्यकर्ताओं का इतना मन उतार दिया इस व्यापारिक राजनीति ने, किसी भी पार्टी और राजनीतिक पार्टी में अच्छी नहीं लगती, हमारा दिल उतर चुका है। हमने तीन तीन पीढ़ियां सींचा था लेकिन हमारी आशाओं पर नहीं उतरे ये लोग। तो सर मतलब एक तो ये हो कि सिर्फ धमकी देकर दोबारा से फिर पार्टी में आ जाएंगे या फिर दोबारा जाना ही नहीं है पार्टी में? हम ना कोई धमकी मानने वाले आदमी, धमकी जो डरेंगे, जो जिसने भ्रष्टाचार कर रखा है, और इस विधायक ने जिला प्रधान ने तो इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है, अभी हम बेहतर बेहतर गाँव जाऊंगे इनके पर्चे खोल लेंगे। नहीं एक मिनट रुक जाओ, अगर सर कल से इस पार्टी फिर से आपको मिलाना चाहे तो आप दोबारा से इस पार्टी में जाना चाहोगे? नहीं जी, हम तो राजनीति से मन भर गया, घर ही बैठ जाए ले। हमने हमारा सोच है, हमारे साथियों का एक जुलाना हल्का विकास संगठन बनाया है, उसके लिए एक हम समाज सेवा करेंगे। राजनीति से हमारा दिल भर चुका है, राजनीति गंदी हो चुकी है, व्यापारिक हो चुकी है, हमारे को यूज किया जाता है। हमारे को 30 साल हो गए, मैं कॉलेज में प्रधान बनाया था 1994 में, मैं डॉक्टर अजय सिंह के साथ जुड़ा था, नोर से विधायक बन के आए थे, लेकिन आज हमारी ये हालत है, और हम आम आदमी का क्या काम करवाएंगे? हमारे जुलाना में हमने पता नहीं कितने यहाँ जींद की रैली प्रोग्राम कराए थे, हम कोई काम नहीं करवा सके। हमारे जनता से, जुलाना के लोगों से, साथियों से हम माफ़ी मांगते हैं भाई, हमें हमारे पे पाप हो गया, ऐसे हमने इस तरह का हमारे को एक हमारा विधायक मन गया, उसको पता ही नहीं पढ़ाई का, नहीं उसको बोलने का पता नहीं, और हमारे पढ़े लिखे हो गया। आप दूसरी पार्टी में आना चाहोगे किसी भी पार्टी को जो है? हम संगठन हमारा विकास, जो हमारा हल्का जुलाना विकास संगठन है सामाजिक, हम उसका हम लोगों की आवाज़ उठाएंगे और उनका काम करेंगे। तो सर पहले जेजेपी में आने का क्या कारण था? जेजेपी में हमारे जो दादाजी थे, परदादा थे, मेरे बाऊजी थे, चाऊधरी लाल के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी के, हम फिर अजय सिंह के साथी रहे हैं, उनके साथ कॉलेज टाइम से जुड़े थे, हमारे जाट कॉलेज में प्रधान होते थे 1994 में, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में होता था, सारी टीम हम समाज सेवा के लिए जुड़े थे, लेकिन हमने नहीं पता था राजनीति इतनी गंदी चीज़ है। राम राम। सुरेश मान नारनूल से। जेजेपी से इतना मन क्यों भर गया? राजनीति से दूर हैं जी हम तो, समाज से भी। अच्छा।
जी। राम राम सर। नमस्कार जी। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके, पूरे दर्शकों को नमस्कार। मैं पवन मोर कुछ रहना हल्का उछैना। तो सर अब क्या कारण रहा है कि मतलब 4 साल होने के बाद आपको जेजेपी छोड़नी पड़ी? 4 साल होगी और सारे जितने कार्यकर्ता हैं लगभग 1 साल सरकार के साथ रहे, इन्होंने देखा कि काम हो गए, लेकिन यहाँ पे पूरी जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष की और यहाँ के विधायक की बनती है, और यहाँ से ही विधायक जिन जिले से मेरे उचाना हल्का से दुष्यंत जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष दुष्यंत जी के कान भरने के काम करते हैं। पारिवारिक निष्ठावान जो कार्यकर्ता इनके वोट रहे हैं उनके काम नहीं होने देते, चापलूसी करते हैं और दुष्यंत जी उनकी बातें सुनकर उन पर एक्शन लेते हैं। सर जो आज जेजेपी पार्टी को छोड़ा गया, सिर्फ जुलाना हल्के के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा या बाहर के? बाहर के पहले छोड़ चुके हैं, मैं 1 साल पहले छोड़ चुका हूँ। आज यहाँ जुलाना का धमाका देखने आया था मैं, आपने भी देखा जुलाना हल्का लगभग खाली हो चुका है, जेजेपी का सफाया हो चुका है। जींद से जेजेपी की शुरुआत हुई थी और मेरे ख्याल से यहीं से पतन की भी शुरुआत हो चुकी है। जेजेपी साफ हो गई जी, अब वो 16% की बात करते, मैं कह रहा हूँ अगर 6% भी आ जाए तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए उनको, 6% भी अगर वोट रह जाए तो। राम जी, अलका जुलाना जी, तो सर जेजेपी पार्टी से इतना मतलब रोष क्यों? आज जो विरोध हुआ है, जो यहाँ पर जेजेपी पार्टी को छोड़ा गया, किस लिए छोड़ा गया? देखिए जी, मैं अलका जुलाना से खेल प्रकोष्ठ का अलका प्रधान भी हूँ। मैंने बार बार विधायक जी के पास गया गाँव में खेलने के लिए, बच्चों को जगह नहीं थी। कुछ सामाजिक लोगों ने मिट्टी डलवा कर वहाँ पर 4 कोच अपनी जेब से कोच लगवा रखे हैं जी, लेकिन विधायक ने आज तक एक मुट्ठी मिट्टी की भी वहाँ पर नहीं डलवाई है। एक बार दिग्विजय जो किट बांट रहे थे वो विधायक जी ने मंगवाई दी, हमको दी दी यहाँ से और हमने विधायक जी को दे दी, तो आज तक वो किट बच्चों को नहीं मिली है। तो सहयोग तो करने की बात बहुत दूर है। और एक बात और बता दूँ आपको, अभी अभी पता लगा है हमारे गाँव में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है वो बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, और जुलाना हल्के में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं, तो वो अब जुलाना हल्के में हुए जी। हाँ जी। ये नाराजगी विधायक से है या फिर पूरी जेजेपी पार्टी से? देखिए जी, विधायक काम नहीं कर रहे, निजी नहीं, कोई भी सार्वजनिक काम नहीं हो रही, तो हमने ऊपर शिकायत की, तो शिकायत लेके जाते हैं, कहते हैं विधायक से मिल, विधायक तो जो बोल दिया जी, बार बार मिलते हैं, कम से कम 200-300 बार मिल लिए होंगे, कोई काम नहीं होता जी। राम राम जी। मैं एक्स सरपंच अशरफगढ़ गुरदीप संधू, हमारी उसे पे इस विधायक से नाराजगी है जी, ये कि मेरे हिसाब से तो अनपढ़ी है हमारी, ये यही गलती हमारे साथ, ये अनपढ़ हमने विधायक चुन लिया है। जब ये तो पंचायत तो पढ़ी लिखी मांग ली, आप सारे अनपढ़ हैं, ये इस अनपढ़ की वजह से हमारा ये हल्का पिछड़ गया है, कोई काम नहीं हो रहे हैं। जो हमारी सुनवाई नहीं, सारी पार्टी से नाराजगी होगी, हम ऊपर तक गए हमारी सुनवाई नहीं है, हम इसीलिए सारे इकट्ठे होके ये पार्टी छोड़ दी है, हमने ये पार्टी छोड़ दी है, नहीं तो हम ताऊ देवीलाल के टाइम इस पार्टी में थे, सारी जिंदगी निकल गई, पर अब आगे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने इसलिए हम सारी पार्टी छोड़ दी है जी। इतने सालों से आप इस पार्टी में थे तो आप छोड़ रहे हो, तो कैसा लग रहा है? दुख तो लग रहा है, फिर क्या करें, सुनवाई तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, फिर लठ मारे इनको, ये अनपढ़ है, सरपंच पंचायत तो पढ़ी लिखी मांग ली, और आप अनपढ़ बन रहे हैं जी, क्या सुनवाई करेंगे, ये क्या देश क्या तरक्की करेगा जी, ये थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर आज जुलाना हल्के से सभी कार्यकर्ताओं ने जेजेपी पार्टी को छोड़ दिया, तो जेजेपी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। एक पहले भी बहुत सारे कार्यकर्ता बाकी हल्कों से भी छोड़ चुके हैं, लेकिन आज जुलाना हल्के के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी मर्जी से यहाँ पर सभी ने जेजेपी पार्टी को छोड़ा है और एक जेजेपी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जेजेपी पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है ये भी ज़रूर बताएं, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।